अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। मैं आ रहा हूँ नमाज पढ़ के, बहुत लेट पढ़ा हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के आ गया नमाज। बारिश थी? हाँ, बारिश अभी बंद हो गई। अंदर जगह मिल गई? हाँ, आराम से अंदर जगह मिल गई थी, सेकंड फ्लोर पे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, जुम्मा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, तुम्हें भी जुम्मा मुबारक बेटा। शाम का वक्त हो चुका है फ्रेंड्स, और हमें अभी अर्जेंट जाना पड़ रहा है इन्फिनिटी मॉल। किस कलर का? ऑरेंज। रिजा आज घर से सोच के आई कि ऑरेंज ही लेना है। उसको स्कूल के लिए चाहिए, वो लोग ट्रिप से जा रहे हैं। अच्छा, और कहीं देखना ऑरेंज? नहीं, आ गया। हाँ, बहुत एक्साइटेड हो कल जाने के लिए। रेहान की तो सारी शॉपिंग हो गई है। रिजा की बात की, ये तुम ले लो, ठीक है? नहीं, टाइट नहीं होगी। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदी सबक जाओ, मैं आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआ के वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और हम लोग आए हुए हैं इस वक्त इन्फिनिटी मॉल मलाड में। कुछ काम थे, जैसे कि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये लोग जा रहे हैं स्कूल की तरफ से पहली बार किसी ट्रिप पे। उसका डिटेल फिर आपको बाद में बताएंगे। चलिए, अभी किधर हो गया और कुछ? बस तुम्हें अभी सनी को पैंट्स लेने थे, तो उसके लिए हम रिवाइज आ गए थे। रिजा रेहान के भी सारे काम हो चुके हैं, अब खाएंगे, डिनर करेंगे। फिर हम लोग इन्फिनिटी मॉल में जो ऊपर कॉपर चिमनी है ना, वहाँ पे आ गए डिनर करने के लिए। और सनी ने पता नहीं ये कुछ अलग ही मंगाया था, नीला सा। उसको हमेशा ये चाहिए होता है, लेकिन इसका टेस्ट बड़ा ही अजीब था, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। उसको उसका नेम नहीं पता रहता, वो बोलता है वो ब्लू वाला दे दो, तो उस बार कुछ अलग ब्लू वाला आ गया था। मोजीटो नहीं था, कुछ और था, लेकिन रेहान को अच्छा लगा, तो चलो ठीक है, वो पी लेगा। मॉल पूरा बंद हो चुका है और हम लोग अभी जा रहे हैं घर। यहाँ के सारे काम हो गए, बहुत सारे प्यारे लोगों से भी मिल लिया, और अभी आपसे मिलते हैं घर पहुँच। अपनी भूख लगे हम लोग को बस में, इसलिए। तुमने क्या लिया? चीज। और तुमने? तो अभी तो पैकिंग भी करनी है, इनकी पैकिंग करवा दो घर चल। अम्मी भैया इतने एक्साइटेड है ट्रिप के लिए, तो ऑरेंज बड़ी मुश्किल से यही मिला। अच्छा लग रहा है, लेगिंग्स लेके आई है। ये तो देखो, अच्छा है ना? पाउच बहुत अच्छा है मेरा। आपने हम लोगों को आज तक पिकनिक में नहीं भेजा, लोगों को आपने परमिशन दे दी। क्या करें, इसमें क्या डालने जाएगी पाउच में? ऐसी कुछ भी, एक पैन, एक इरेजर। पैन इरेजर का होता है क्या? देखो क्या है इनका, पैन और इरेजर। एक डायरी डाल लूंगी बस। हाँ, उसमें लिखेगी कि रास्ते में इतने कौन आया। आपने कब कौन सा सरप्राइज मेरे लिए? फोटो क्या हो सकता है? कुछ नहीं पता। ये आपने कब ली? ये तुम्हारी थी तो तुमने ली थी। हाँ, ये मैंने इसलिए ले ली, तुम दुनिया के लिए, हमारे लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए इतना खर्च करती है। और अपने लिए जब भी जाओगी तो एक ले लो, दो ले लो, तो मैंने कहा तुम ये भी ले लो। एक ये कब ली थी आपने? लेके उसमें डाल के बिल करवा लिया था। इतने साल के पूरे हमारे एजुकेशन की जो जर्नी रही है, उसमें आज तक हम पिकनिक पे नहीं गए, ना ही कॉलेज में 3 साल और ना ही स्कूल में जितने साल। पिकनिक पे नहीं गए और शादी के बाद तो और कहीं नहीं गए। अब क्या मतलब ये कि पहले घर वालों ने कहीं नहीं जाने दिया, और जब शादी होगी तो बीवी कहीं जाने नहीं देती है, नहीं, तो अब सब कहानी खत्म हो चुकी है। हमने आपको कब नहीं भेजा? नहीं भेजा है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जिनकी शादियाँ नहीं हुई, मतलब अगर आप लोग जा रहे हो पिकनिक में, तो माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चों को भेज दो, क्योंकि शादी के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है पिकनिक में जाना, या कहीं दोस्तों के साथ भी जाना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा ही होता है, सच बता रहा हूँ मैं आप लोग। इसके चक्कर में तो है ना, बाद में हो सकता है डांटे ही मुझे। ये क्यों कट्टी? ऐसा कुछ नहीं, कट्टी वट्टी। खैर, उन लोग जानते होंगे जिनकी शादियां हो गई होंगी कि शादी के बाद निकलना कितना मुश्किल होता है। शादी की पहले की जिंदगी कुछ और होती है, शादी के बाद की। कौन सा आपके दोस्त ने गोवा का प्लान बनाया जब मैंने आपको जाने नहीं दिया? प्लान तो मैं ही बनाऊंगा ना। फ्रेंड्स, मैं आज रात ही इनको बोलती हूँ गोवा का प्लान बनाए, और अपने सारे दोस्तों को कॉल करें और देखते हैं कि कौन सा दोस्त जाने को नहीं दिए। ये आप लोग इसके गवाही, आप इसको कसम है, इसको झूठ मत बोलना, अपनी बातों से पलटना नहीं, ठीक है? आप चले जाएंगे ना गोवा मुझे? ये देखो, ये देखो भाई, आप ही बताओ। सच आप लोग ने देखिए, अल्लाह ताला जो करवाते हैं सब सच बिल्कुल सामने आ गया है। अभी अभी कपड़े ले गया, पहन भी लिए। तुम सब पे यही है क्या? तुम कपड़े लेंगे अभी तो पहन के चेक करो कि कपड़े मतलब रास्ते में 12 बजे से। आपको ऐसा है या नहीं मुझे नहीं पता, कि मेरा ऐसा है कि अगर मैं कपड़े कोई भी खरीद के लेके आऊंगी तो मुझे रात में ट्रैक करके नींद आएगी, वरना नींद नहीं आएगी। सेम अब मेरा भी वैसा ही होगा। ये बात सच है कि चाहे रात के 1 बजे हो चाहे 2 बजे हो, ये बंदी घूम घूम के देखेगी मौका, धीमे से कपड़े निकाल के आएगी, मैं चेक कर लूं, मैं हंस दूंगा कि तुम्हारे यही रह गया है। अब लेके आइए, देख आइए वाला बैग संभाल के लेके जाना। हां नहीं, अच्छे से रखो, संभाल के लेके वापस भी आना। नहीं, बहुत क्यूट बैग है ना। आ गया बैग, दुबई जा रहे हैं। चार जोड़ी कपड़े, चप्पल तो रख लो पहले कपड़ा, चप्पल का ध्यान उसको, कैसे बच्चे वाले कौन से एक बता, पुराने वाले ले जाओ।
कह रहे थे कुमार के जोड़े में चप्पल रखे, वही तो अभी देखो है नहीं एक भी रखने के लिए, बस इसमें आ गए। पतला सा रखो ना कोई चुण? नहीं इसमें उस पे गंदी हो जाएंगे ना। ये वाले बैग में बस कपड़े हैं और चप्पल। पहाड़ी इतना कौन चढ़ेगा, कोई शॉल वॉल तो नहीं लेके जाना? सब मुझे ठंड नहीं लगती है। हो गई बाकी खाने का भी है, चप्पल। अच्छा सबको बता दो, सब लोग सोच रहे होंगे कि ऑरेंज क्यों बोल रहा है पहनने के लिए। मेरे पास पीटी यूनिफॉर्म नहीं और मेरा कलर ना ऑरेंज है, तो मैंने बोला ऑरेंज टॉप। और पीटी यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? उन्होंने गलत साइज दे दिया था। कौन से जूते लेके जाऊंगा अब? इसका एपिसोड चालू हो रहा है। और क्या लाइव दिखाओ इसके अंदर। मंच है और टूथपेस्ट और एक फेस वॉश बोला था लाने के लिए। और शैम्पू तो मैं लेकर नहीं जाऊंगा। बॉडी वो सही गलती करी, पूरे महीने भर का राशन दिला देते उठने लेके जाओ। एक दिन ही जाना है और मैं क्या लेके जाऊँ? ऐसे कर रहे हैं दो महीने नहीं जा रहा हूँ। अच्छा बताओ ना क्या मतलब कौन से हो गई रजा की पैकिंग। चप्पल डब्बे में लेके जा रहा है क्या? Yes, एक कोई अच्छे जो कपड़े तेरे पास रहे कुछ लपेट पहले चप्पल, फिर डब्बा के अंदर डाल और डब्बा डाल कोई अच्छी चीज में, समझे? और वापस आने के बाद बैंक जाना। वापस आने के बाद बैंक जाना और जाके वहाँ लॉकर में रखे हैं चप्पल अपनी, ये समझे? एक से एक महान हस्ती है भाई। सभी तुमने सोचा मैंने कहा शादी कर ली, बच्चे हंसेंगे तुम पे? अरे दुनिया जो सोचे हमें क्या फर्क पड़ता है। ये भी रिजा तुम्हें चाहिए क्या? मैं दे दूँ अपना? नहीं मैं कैप नहीं लगाऊंगी। अच्छा लगेगा ले जो ऐसे तो बोला चश्मा भी लेकर आओ। मैं लेके जा रहा हूँ चश्मा। ये बोला कि ट्रैकिंग पे जाने के लिए धूप लगी या कुछ लगी तो इसलिए। यस ये देखिए लगा के दिखाओ। मैं बहुत गंदा लगता हूँ चश्मा। भैया कपड़े तो निकला दो, कपड़े ही नहीं निकले अभी। ये ले आया अपना बैग रात के लिए। डोर नहीं पहन के ले जा? नहीं रात को डांस पार्टी ना तो सुबह पूल जाओगे? सोने के लिए पूल में जाऊंगा तो परमिशन लूंगा कॉल करके। तुम यहाँ से कल निकले? यस। सुबह कितने बजे पहुँच जाओगे? 10:30। कल दिन भर वहाँ रहोगे और रात भर रहोगे, अगले दिन सुबह सुबह निकल जाओ। फिर अगर ट्रैकिंग का देखेंगे अगर हुआ, और अगर नहीं हुआ तो फिर ऐसे ही नॉर्मल पहन लेंगे। पहाड़ी पे देखो हवा मना कर रही है ना। अरे इतना तुम्हें परमिशन दी ना इस बार, बगल के मोहल्ले में भी मम्मी ने नहीं भेजा हम लोगों को। डरपोक थे तो इनका फ्रेंड्स पूरी रात ऐसे चलता रहेगा। 4 घंटे में उठना है वापस। यहाँ तुम्हारी कल में कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है पहले के जमाने के हीरो के जैसे। क्या मैं भी आता हूँ ट्रिम करके? नहीं तुम मत करो, कान के बाल साफ करा रहा है। ये लो कैप ले जाओ। कैप नहीं लगाऊंगी, मुझे नहीं, मैं कभी जिंदगी में कैप और चश्मा नहीं लगाती हूँ। ये बैग है, इसको खाली करके सामान इसका संभाल के रखो। बंद कैसे होता है? ऐसे और ऐसे। अल्लाह तुम्हें भी मेरी आदत लग गई है ट्राई करने की। ढीला लग रहा है पैंट मुझे लेकिन। अच्छा आप एक्सेल ले आए, ठीक है फिर कल चेंज कर लेना। कश्मीर की फोटो, रेडिसन, जम्मू चुराया हुआ सामान, और ये श्रीनगर में वो जो भाई है रियाज भानु जो केसर? जाफरान केसर दिया था। मदीना शरीफ से ली हुई तस्वीर। अच्छा ये हो? हाँ माशाल्लाह। दिल्ली से लिया था हमने, हार्ट से। हाँ दिल्ली हार्ट से। तो हर जगह की मेमोरी जो है फ्रेंड्स वो मन में फिर से आ गई है और सारी चीजें बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है टाइम 1:30 और हम लोग जा रहे हैं सोने। ऐसे मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह। ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। रिजवान कल जा रहे हैं पहली बार ऐसे अकेले, थोड़ी सी नर्वसनेस भी है लेकिन ठीक है, बच्चों को आगे लाइफ एक्सप्लोर भी करनी है तो फिर ठीक है, कल जो भी होगा फिर आपको बताते हैं। अभी बज रहा है सुबह की 6, रिजा और रेहान जा रहे हैं पिकनिक पे अपने स्कूल की। चलो उनको छोड़ता हूँ, उनका बार बार मुझे फोन आ रहा है। सोच लो कुछ भूले नहीं। अरे फिर थोड़ी देर बाद हम लोग आ गए थे रोहान से मिलने के लिए। यहाँ पे रोहान जो है वो सो रहा था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या बनाया आज खाने में? भिंडी लौकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? ब्लॉग कल से कंटिन्यू चल रहा है। सुबह आपने देखा होगा कि रिजा रेहान जो है वो ट्रिप पे जा चुके हैं। आज उनके बिना दिन भर बहुत सूना सूना लग रहा था, ऐसे हर चीज में उनकी याद आ रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो लोग इस घर में नहीं है, दूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। उनसे फोन पे बात भी होती रहती है, वो लोग वहाँ से वीडियो भी भेजते रहते हैं। अभी रात का वक्त हो चुका है, 10 बजने वाला है। हम आ गए हैं किचन में। सनी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लिए बना रहे हैं खिचड़ी।
घी कहाँ गया अम्मी? जब से डब्बा बेचारा ऐसे ही रखा हुआ है अम्मी, इसको किसी और चीज में डालो। लाना डब्बा। बस अभी इसमें हम लगा देंगे इसका ढक्कन। सबसे ज्यादा पसंद दही चावल, इसमें चीनी थोड़ी सी ना। वही तो नहीं खानी। हाँ? इस बार अच्छी बनी हो, हर बार कोई ना कुछ पोपट हो रहा है। वैसे मेरी देखो अच्छाई है कि मैं अपनी गलतियाँ भी दिखाती हूँ, वरना मेरे हाथ में हो मैं कट कर दूँ, नहीं दिखाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है ठीक है आप लोग हंसते हो ना, तो हंसाने के लिए तो वीडियो बनाते हैं। दही में खाने लायक है। आपको ऐसी चाहिए थी ना। अब इसमें शक्कर डालो, दूध डालो, फिर खाओ, फिर देखो कितनी अच्छी। ये लीजिए खिचड़ी, सही है। चीनी तो डालो। दुनिया में एक ऐसे लोग है जिन्होंने कभी चीनी नहीं खाई है, और एक है ऐसी जो कह रही है चीनी डालो तो मजा आ जाएगा। खाने को बैठे हैं। फ्रेंड्स आप किस साइड हो? हम शक्कर के साथ। और एक है ऐसे शक्कर के। हाँ। तो देखते हैं कौन जीतता है। मैं तो भैया चीनी की साइड वाली हूँ। देख भैया आप बताओ, चीनी डाल के दही चावल या बिना चीनी के? मैं तो दही नहीं खाता हूँ। चीनी के साथ तो मीठा हो जाएगा ना राइस। हाँ, तो नहीं अच्छा रहेगा बिना चीनी के। जा रहे हम लोग अभी रूहान से मिलने, ऊपर मजा आ रहा है बहुत। अभी हम लोग आ गए कुछ बनाने के लिए, आपको बताते हैं हम क्या बना रहे हैं। भून रहे हैं ओट्स, और सनी को फोड़ना ये नहीं, सनी नहीं होगा ऐसे। ओ तेरी ये पूरे में चीटे हो जाएंगे, मम्मी बताएंगे। गर्म पानी डालते तो जल्दी हो जाता है। आटे की खुरमी, ओट्स की, ओट्स और आटा मिला के दोनों चीज। हाँ। ये गया इसमें रवा, बहुत ज्यादा गर्म है, कुछ गर्म गर्म। और ये डल गया इसमें ओट्स। फ्रेंड्स अम्मी का डाइट रहता है ना, तो कुछ हेल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो वो कभी कभार ऐसे जब उनका बहुत कुछ मन करे मीठा खाने का तो वो खा सके। मैं भी ट्राई कर रही हूँ पहली बार, देखते हैं कैसा बनता है। और इसमें थोड़ा सा तो घी अम्मी बनता है। अच्छा फ्रेंड्स, घी के बारे में ना हमेशा डबल बातें होती है। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा घी अच्छा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए। मना किया था। मना किया कि घी से बहुत मोटापा होता है। तो फिर मैंने तो डाल दिया। अभी तक एक ही खाया ना। हाँ, थोड़ा ही खाया। गुड़ वाला पानी, ये तो मेरा आइडिया था। देखते तुम्हारा आइडिया कितना काम। क्यों, शक्कर से तो अच्छा ही है। मैं डाल रहा हूँ मैं गुड़ वाला पानी। इसमें सितुआ घोरो, गुड़ में। हाँ, इसमें रखा है ना ये, ऐसा हमारे अब खाते गए। गुड़ में। हाँ गुड़ में। हाँ गुंदे का तुम डालो, बूढ़ा पानी डालो। चिपक रहा है अभी से, ये तो गुंदी नहीं रहा अच्छे से। गूंदो उसको, पता नहीं क्या बना दिया, वो गूंद ही नहीं रहा है। नहीं ये बन भी पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, अभी लग तो नहीं लगे बन जाएंगे। ये कड़क हो रहा है बहुत। घड़ी 1 बजे, सवा एक बज रहा है। ओट्स की बिस्किट बना रही है। आज वैसे रेहान भी नहीं थे, हम लोग भी बोर हो रहे थे, नींद भी नहीं आ रही थी अम्मी के लिए 2-3 दिन से, ये बनाने की बात भी चल रही थी। हमने कहा चलो आज ही बनाते, फिर दिन में ना कुछ काम में बिजी हो जाते। मैंने तो कर रही बेचारी। जलाते हैं गैस। क्या करूं? ऐसे बना ले, गोल गोल ऐसे। हाँ बस, जैसे कबाब बनाती है। सनी सबसे मेहनत का काम करते हुए सबसे आ गई 3 मटन कबाब। हम बना रही बिस्किट ओट्स के। हाँ। हमको डब सफाई कर ले, अपने डब्बे का पोंछ सफाई। अब ये इतने बना लिए ऐसे, और चलो इनको फ्राई करके देखते हैं। अच्छे महक रहे हैं। पहली घान, पहली घान के सही है यार। अच्छे बन जाए, ऐसे बन जाए कि खाने लायक, अच्छे दिख रहे हैं और अच्छे खुशबू भी अच्छी आ रही है। खाने लायक नहीं होंगे तो क्या करना, क्या उनको फिर। हाँ, ऐसे नहीं हो कि बिल्कुल उसका टेस्ट कुछ अतरंगी हो जो खाया भी ना जाए। और गुड़ कम मीठ तो चाहिए ना। हाँ। मीठा करना हो तो शक्कर डाल देते, कुछ भी डाल दो, यही तुम्हारी कला है तुम्हारे हाथ की, कि मीठा भी नहीं हो और हम टेस्टी भी नहीं। फिर और नमक डाल देना चाहिए था। बेसन, बेसन का बना देंगे, बेसन तो हेल्दी होता है। बेसन की पपड़िया, बेसन बताया आपको खाने को? हाँ। क्या बोला? रोटी में बेसन मिला के। हाँ, तो फिर बेसन का ही बना देते। किसी ने बताया था, एक दिन नहीं खाया पूरे महीना में। क्यों नहीं खाया, कल ही बना लेना। फ्रेंड्स मैं फ्राई कर रही थी, थोड़ा सा आटा बचा था तो मैंने सनी से कहा, सनी प्लीज मैं तुम थोड़ा सा गुड़ का पानी और मिला दो ताकि और मीठा हो जाए। तो इसने देखो क्या किया, मैं आपको दिखाई। पानी क्या किया मुझे क्या पता, काम करो जब तुम कोफ्ता बना ही रहे हो ना तो उठा के रख दो, फिर सुबह मसाला पीसेंगे फिर डाल देना।
हम भले एक कुक तल के देखेंगे एक बार तल एक बार मैंने कच्चा सनी खेल नहीं करो लाओ हमें दो अभी तो बहुत जरूर है दो सनी इतना गीला कौन करता है अगर हमने कभी बनाया हो तो हमें अंदाजा हो जो हमने भाया भर दिया उसमें हम भी खजूरिया बना रही है कुछ तो बनेगा ये बन तो गए हैं ये अम्मी ने खजूरिया बनाई है और ये मेरे वो बिस्किट अम्मी को चखाएंगे खाने लायक है अभी नहीं चख के बताओ अम्मी सही सही बताने की है और इज्जत भी रखने की है सोंधे हैं अच्छे हैं मीठे बस कम हैं मीट के वजह से रोटी की नहीं लगती तो ये बताओ खाओगे कि नहीं कच्चे तो हैं अभी कच्चे नहीं है इतनी देर पकाए हैं अच्छा अब ये देखती हूँ बाद में और मीठा किया था ये थोड़ा सा ही है ये सही अब है? तुम इतना खा के देखो ये देखो फिर वो भी देखा बाकी खाने लगते हैं खजूरिया है ना ये अच्छी लगेगी चाय में अच्छे हैं नुकसान नहीं करेंगे फायदा करेंगे अच्छे हैं मीठे नहीं बस बिस्किट में क्या पता बोल देते हैं शुगर फ्री पता नहीं कितनी शक्कर हो क्या हो मैदा रहता है तुम्हारी मेहनत हो सो अभी खा तो लोगी अम्मी हाँ खा लेंगे ना रोज एक चाय में खाएंगे ठीक है हाँ ठीक है फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे अच्छे सच में अच्छे नुकसान बिल्कुल नहीं करेंगे ओट्स है रवा है वैसे अच्छा गुड़ है मोदा का बटी वाला ताजा बिल्कुल मतलब देसी वाला अच्छे बनाया तो मन छोटा ना करो मायूस भूख लगेगी ना आपको बहुत सुंदर लगेगी चाय के साथ आपको बिल्कुल नुकसान नहीं चाय के साथ खाएंगे ना छह महीने बनाने की बात लगे तुम्हारे एफर्ट की बात नहीं बहुत मेहनत करी बेचारे की रात की मैंने कहा तो सुला दे उसको कोई बात नहीं हम दोनों मिलकर मेहनत कर लेते हैं कितनी मेहनत करी मेरे लिए दो बजने वाला है लोगों की एक एक दिन सो गया होंगे हमारे खजूरिया खास के बम और एक आध ले ये बल्ब का बेचारे का आखिरी समय क्यों ना जल रहा है ना बुझ रहा है फ्रेंड्स बस फ्रेंड्स आके हम लोग काफी ज्यादा थक गए थे सो गए थे और लास्ट में मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ जो रिजा रेहान ने अपने पिकनिक ट्रिप से हमें भेजी थी आप सबकी भी मेमोरी ताजी हो जाएगी आप सब लोग भी कभी ना कभी पिकनिक पे गए होंगे ये सिलवासा का कोई रिजॉर्ट है ये वहाँ के क्लिप्स है बच्चे ये ट्रैकिंग पे गए हुए थे देख के इतना अच्छा लग रहा है मुझे लग रहा है कि हमें सिलवासा जाना चाहिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अल्लाह हाफिज़।